ये बता रहा हूं मैं आपको कि 440 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। अब आप कहोगे कि यार अभी 400 पे तो वीडियो बनाया था, 440 पे फिर से बनाने की क्या जरूरत पड़ गई तुझको, ठीक है ना। तो देखिए बात क्या है कि ये जो नंबर्स चल रहे हैं ना, सब्सक्राइबर्स के जो नंबर्स चल रहे हैं ना, इनके साथ ना जो अनुभूतियों का एक ऐसा चक्र चल रहा है कि उसके बारे में बताना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए जब 400 मेरे सब्सक्राइबर हुए ना, तो माता ने किसी से कहा था, जो सेकंड प्रोटोटाइप कल के अवतार का, तो माता ने किसी से कहा था कि इन 400 फोटोग्राफ्स की वजह से तेरा बहुत नाम होगा, ये आशीर्वाद दिया था। जी हाँ, अब मैं 440 पे क्यों बना रहा हूं, देखिए 440 वोल्ट है, छूना है मना, गाना सुना होगा ना, इसके इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो 440 वोल्ट की कहा जाता है कि 440 वोल्ट की जो है ना वो प्रोवाइड होती है तारों में, जो हमें घरेलू बिजली मिलती है हमें डोमेस्टिक। और अब आप देखिए एक बार क्या हुआ, मैं जब छोटा था तो मैं किसी के घर पे गया और वहां पर बिजली के बोर्ड में जो एक ऑरेंज कलर की लाइट जलती रहती है ना हमेशा, उस लाइट को मैंने छू दिया। कैसे छू दिया, मैं देखता रहा पहले तो उसे, और फिर पता नहीं क्या मुझको जमा कि उस पे से वो जो ऑरेंज कलर का जो कवर होता है ना वो प्लास्टिक का, जिसमें वो चमकती है, वो हट चुकी थी और अंदर जो जलेबी जैसी होती है उसकी स्प्रिंग होती है वो थी बस। तो मुझे लगा कि यार ये चालू ही नहीं है, चालू ही नहीं है, मैंने उसको तुरंत एक हाथ लगा दिया, उंगली लगा दी, उंगली लगती जो छटका लगा ना 440 वोल्ट का, तो पूरा शरीर सुन्न पड़ गया मेरा और मैं वहीं उसी कमरे में बैठा जैसे तैसे बहुत देर तक, ऐसा हुआ। अब आप देखिए वो भविष्यवाणी बना, और आज जब मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ना, स्मार्टफोन पे बनाता हूँ मैं वीडियोस, तो इसमें बिल्कुल उसी प्रकार का लाल रंग का एक आइकन होता है वो दिखता रहता है मुझे, और जब वीडियो में ऑफ करता हूँ ना तब उसे क्लिक करके बंद करना पड़ता है मुझे, उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो बंद हो जाता है वीडियो बनना, ये होता है। मतलब वो भविष्यवाणी थी जो इस प्रकार से अभी पूरी हो रही है, ठीक है ना। अब इसके बारे में कल के अवतार का क्या अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे एक दोस्त ने एकदम रियलिस्टिक अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, देखा कि वो किसी शादी में फंक्शन में गया हुआ है, और वहां पर जब बारातियों का स्वागत होता है, मेहमानों का स्वागत होता है, तो तमाम तरीके जैसे इलायची हुई, लौंग हुई, और पान हुआ, इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, जैसे ऑरेंज की जो गोलियां हुई वो रखी रहती है ना, और वो सभी मेहमानों को दी जाती है कि भाई आप लीजिए, मुखवास कहते हैं उसे, ठीक है, तो वो दी जा रही थी। अब इतने में उसने ऑरेंज की जो गोली होती है ना जो बचपन में हम लोग खाया करते थे, उसका उसकी इच्छा करी उसको उठा करके खा लिया जाए, जैसे वो उठाने के लिए आगे बढ़ा तुरंत कल के अवतार वहां आगे बढ़े उपस्थित थे वहां पर, और उन्होंने वो ऑरेंज वाली गोली उठा करके मुंह में खा ली, खाली तो खाली, आखिर वो बताना क्या चाह रहे थे। फिर उसने वो अनुभव मुझे बताया, और बरसों तक तो मुझको कुछ समझ भी नहीं आया कि यार इसका क्या मतलब है। अब आज जब 440 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो